दोस्तों, हर आदमी अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है, और इसके लिए वो कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है, एक गोल निर्धारित करता है, और उसी गोल को पा लेने की जो अवस्था होती है उसी को सफलता कहते हैं। दोस्तों, इस सफलता को प्राप्त करने के लिए लोग कई तरह के साधन अपनाते हैं। जैसे लोग अपने से अनुभवी लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनके अनुभव को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग अपने फील्ड से रिलेटेड अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, और कुछ लोग अच्छे मोटिवेटर्स को सुनते हैं, और कुछ लोग अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, और उनके द्वारा बताए गए अनेक साधनों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं और मेरा वीडियो भी उन्हीं लोगों को समर्पित है जो अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय कर रहे हैं और उनमें लगे हुए हैं और उनको अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयासरत हैं। दोस्तों, वैसे तो आपके सीनियर, अनुभवी लोग और बहुत सारे मोटिवेटर आपको बहुत सारे सफलता प्राप्त करने के लिए रास्ते बताए होंगे, और वो निश्चित तौर पर सही है, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसी बुक नहीं लिख देता और ऐसी ही वीडियो नहीं बना देता। आखिर उनमें कुछ बात रहती है, तभी वो लोगों को सफलता के लिए प्रेरित कर पाते हैं और लोग उनकी बातों को सुनते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी तकनीक बताने जा रहा हूँ, वो टेक्निक बताने जा रहा हूँ जो आपने बहुत सारी जो सफलता प्राप्त करने के लिए जो रास्ते सुने होंगे उन सभी रास्तों का ये निचोड़ साबित होगा। और इसको अपना लेने के बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको उन तरीकों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि वो सारे तरीके अपनाने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर आदमी आपको रास्ता दिखाता है, कोई मोटिवेटर जब आपको मोटिवेट कर रहा है तो उसमें कुछ है तभी मोटिवेट कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि हम अपने जीवन में बड़े बड़े ज्ञान की बातें सुन तो लेते हैं और वो सही भी होती है, लेकिन हम उसे अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते, हम उसे अपने जीवन में उतार नहीं पाते। तो ये जो टेक्निक है वो आपको बाकी सारे ज्ञान की बातों को आपके जीवन में उतारने का एक तरीका बताएगा। दोस्तों, मैं धर्मराज प्रसाद, मैं आपको कुछ भी बताने से पहले ये आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये तय कर ले कि मेरा गोल क्या है, मुझे प्राप्त क्या करना है। आप पहले इस चीज़ को समझ लेंगे तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आप बहुत अच्छे तरह से समझ पाएंगे। यकीन मानिए, ये मेरी बात आपके जीवन में मील का पत्थर साबित हो जाएगा। सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि सफलता पाने के लिए हमें चाहिए क्या रहता है। आखिर कौन ऐसा काम है जिसे हम पूरा कर ले, जिसे हम गैन कर ले तो हम ये कह सकते हैं कि अब मैं सफल हो गया। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आप वकील हैं और आप अपने क्लाइंट के दिमाग में रख दिए कि मैं आपका सबसे अच्छा पैरवी कर सकता हूँ, मैं आपका सबसे अच्छा वकील बन सकता हूँ, मतलब अगर आप उसे इस बात के लिए राजी कर लिए कि मैं ही आपका सबसे अच्छा पैरवी करता हूँ, तो यकीन मानिए आपके पास आपके क्लाइंट की लाइन लग जाएगी। हर छोटे बड़े काम के लिए लोग सबसे पहले आपको पूछेंगे, और आपके पास जब फुर्सत नहीं होगा ना तभी किसी और के पास जाएंगे। अगर आप कोचिंग चलाते हैं और आप अपने स्टूडेंट को समझा दिए, उसके दिमाग में बात रख दिए कि मैं ही आपको सबसे बेहतर पढ़ा सकता हूँ, मेरे अलावा कोई और ऑप्शन ही आपके पास नहीं है जिससे आपका पढ़ाई अच्छे से हो पाएगा, मतलब आप उसको इस बात के लिए राजी कर लिए कि आप ही एक बेहतर टीचर हैं। और उसी तरह अगर आप कोई खाने पीने के सामान बेचते हैं, जैसे होटल वगैरह चलाते हैं, और ग्राहकों के मन में ये बात डाल दिए, उनके जुबान पर ये बात डाल दिए, उनके जुबान को ये बात समझा दिए कि इसी का टेस्ट बेहतर है, मतलब अगर आप उसके जीभ को इस बात के लिए राजी कर लिए कि यही सबसे अच्छा मुझे टेस्ट दे सकता है, तो यकीन मानिए आपके होटल को चलने से कोई रोक नहीं सकता, मतलब अब आप सफल हो गए। इसी तरह बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें जो आप काम कर रहे हैं और अपने ग्राहकों को ये समझा दिए, अपने ग्राहकों के मन को इस बात के लिए राजी कर लिए कि आप ही उनके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है और आपकी अनुपस्थिति में ही कोई ऑप्शन बन सकता है, तब समझ लीजिए कि आप अपने फील्ड में सफल हो गए। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि जीवन में सफलता के लिए सबसे बड़ी कोई चीज़ होती है, जीवन में सफलता के लिए सबसे बड़ा कोई काम होता है तो यही काम होता है कि आप सामने वाले को राजी कर ले। दुनिया में सबसे बड़ा काम होता है राजी करना। अगर कोई नेता है अपनी जनता को राजी कर लेता है तो चुनाव जीत जाता है। तो आप किसी भी फील्ड में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लीजिए कि मेरा एम है सामने वाले को राजी करना। राजी करना किस बात के लिए? उसे इस बात के लिए राजी करना है कि आपके अलावा कोई और बेहतर उसके पास ऑप्शन नहीं है। अब इसके लिए जो तरीका आपको सूटेबल लगता है वो तरीका अपनाइए।
इस तरह से आप देखेंगे तो आपने एक लक्ष्य को निर्धारित कर लिया और वो लक्ष्य क्या है, राजी करना। और आप जितने तरीके अलग अलग बुक से सीखे हैं, अलग अलग वीडियो से सीखे हैं और जो आप अपने सीनियर से सीखे हैं, वो सारे तरीके को बस इस बात के लिए झोंक दीजिए कि सामने वाले को राजी करना है। इस सामने वाले को राजी करना ही सफलता की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर आप जीवन में किसी को राजी नहीं कर पाए या राजी करना नहीं सीखे हैं तो यकीन मानिए आप अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अपने जीवन में राजी करना सीख लिए हैं तो आप कुछ करें चाहे ना करें, आपसे ज़्यादा सफल उस फील्ड में कोई नहीं होगा। अगर आप किसी को राजी करना नहीं सीखे हैं तो आप कितने भी बड़े बड़े काम कर लीजिए, कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अब ये सवाल उठता है कि लोगों को राजी कैसे किया जाए। अब आप कहेंगे कि सर आप ये तो बता दिए कि राजी करना सबसे बड़ी होती है सफलता की कड़ी, लेकिन सवाल ये उठता है कि राजी कैसे किया जाए। तो मैं आपको इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, हम अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाले को क्या चाहिए, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए। किसी को राजी करने का सबसे बड़ा तरीका, सबसे अचूक तरीका यही होता है कि आप सामने वाले के हिसाब से अपना वर्क कीजिए। आप अगर अपने प्रोफेशन में घुस गए हैं, आप जो अपने ऑफिस में या कहीं भी कार्यस्थल पर पहुंच गए हैं, तो मान लीजिए कि हमें हमारा हर काम सामने वाले के हिसाब से करना है, अपने हिसाब से कुछ नहीं। लेकिन देखा जाता है तो कई लोग जस्ट इसके उल्टा करते हैं। ऑफिस में जाएंगे तो जो क्लाइंट आएगा या कोई हमारा जो ग्राहक है वो आएगा, तो उसके हिसाब से बात नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से बात करेंगे और यही सबसे बड़ी कमी हो जाती है। अगर हमें बाइक से कहीं जाना है तो बाइक को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए और हमें अपने शरीर को फिट रखने के लिए जूस चाहिए, खाना पीना चाहिए। अब सोचिए अगर हम बाइक की टंकी में जूस भर दें और कहेंगे देखिए कितना हेल्दी चीज़ बाइक में डाला हूँ, तो क्या वो बाइक चलेगा? क्या नहीं चलेगा। तो यही काम सारे लोग करते हैं, लोगों को ये बता नहीं पाते हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं और इसीलिए वो दिन पर दिन और पीछे होते जाते हैं। लेकिन अगर आप सामने वाले के हिसाब से कोई डिसीजन लीजिएगा, जैसे बाइक में पेट्रोल ही डालिएगा, जूस नहीं, और अपने शरीर में जूस डालिएगा, तब देखिए बाइक कैसे अच्छे से चलती है और आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाती है। किसी को उसके अकॉर्डिंग खुराक देना ही उसे राजी करना होता है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो का सार यही है कि जीवन में सफलता पर दोस्तों मेरे वीडियो का सार यही है कि अगर आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना है, कुछ पाना है, तो सामने वाले को राजी करना सीखिए। आप राजी करना सीख गए तो पूरी दुनिया आपकी है, और नहीं सीख पाए तो कोई आपका नहीं है। और राजी करने सीखने के लिए याद रखिए, आप उसके अकॉर्डिंग अपना काम डिसाइड कीजिए, अपने अकॉर्डिंग मत कीजिए। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, आप ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक दिखता है जिस पर वीडियो बनाया जा सके तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी इस टाइप का कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप इस तरह के वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचारों के साथ।